कि धर्म क्या है। अलग अलग प्रकार से इस बात को कहा जा सकता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर लें कि जल का धर्म क्या है, पानी का धर्म क्या है। पानी का धर्म है उसको शीतलता प्रदान करना। पानी का धर्म है शीतलता। धर्म का अर्थ स्वभाव है। धर्म का अर्थ है कि वो निजता का जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। जैसे उदाहरण हम ले रहे थे कि जो जल है इसका स्वभाव क्या है, शीतलता देना, तृप्ति देना। अगर जल शीतलता नहीं देता है, जल हमारी प्यास नहीं बुझाता है, तो इसका अर्थ ये है कि जल ने अपने धर्म का त्याग कर दिया है। उसी प्रकार से अग्नि का धर्म क्या है। अग्नि का धर्म है तपिश देना। अग्नि का धर्म है गर्मी प्रदान करना। अग्नि का धर्म है किसी चीज़ को गर्म करना। अगर वह अग्नि भी बल रही है लेकिन हमें तपिश नहीं दे रही है, हमें वो गर्म नहीं कर रही है, तो इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि अग्नि ने अपने धर्म का, अपने स्वभाव का त्याग कर दिया है। उसी प्रकार से अब हम इस बात को चिंतन करें कि जैसे जल का धर्म है, जैसे अग्नि का धर्म है, जैसे आकाश का धर्म है, उसी प्रकार से मनुष्य का धर्म क्या है। मनुष्य का धर्म है अपने निजता को, अपने आप को जान लेना। और अपने आप को जान लेने की सारी जो कला है वो हमें संतों की वाणी सिखाती है। 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक भारत के अंदर जो सनातन धर्म से आधुनिक धर्म तक, आधुनिक काल तक जो अद्वैतवादी भक्त हुए हैं, उन्हें हमें संत विचार कहा। उन सब को हमने संत वाणी कहा। इस संत वाणी का जो फैलाव है, इसका जो विस्तार है, यह 5 शताब्दियों तक जाता है। 12वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक ये एक ऐसा भारत में कालखंड है जिसे हम भक्ति काल कह सकते हैं। उस भक्ति काल के अंदर जैसे मैंने बताया, दो धाराएं प्रचलित थी। उसमें से एक धारा निर्गुण की है और उस निर्गुण की धारा में ये सभी भक्त जिनके नाम मैंने अभी गिनवाए वो सभी आते हैं। निर्गुण भक्ति अर्थात वो अकाल पुरख परमात्मा को अपना इष्ट मान करके जो वाणी में हमें मार्ग बतलाया गया है, जो गुरु ने हमें मार्ग बतलाया है, उस मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सही ढंग से व्यतीत करना और उसको सफल एवं सार्थक बनाना। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो व्यक्ति संत के शरण में चला जाता है उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। संत साहित्य का कोई अंत नहीं है, वाणी का कोई अंत नहीं है। अगर संतों के वाणी के एक एक पंक्ति पर हम विचार करें तो कई कई समय लग सकता है, कई कई घंटे लग जाते हैं एक एक पंक्ति के अर्थ को खोलने में। तो हमारे देश में, अगर हमारा देश किसी अर्थ में धनवान है तो वह इस अर्थ में धनवान है कि भारत देश में ऐसा वाग्मय, जहाँ ज्ञानेश्वरी है, जहाँ पर गीता है, जहाँ महाभारत है, जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब है, ऐसा धनाढ्य देश मैं समझता हूँ सारे विश्व में कोई नहीं होगा। विश्व में देश धनाढ्य होंगे, उन्होंने साइंटिस्टों को पैदा किया है, उन्होंने धन कमाने की मशीनें बनाई है, लेकिन व्यक्ति को बनाने का जो कार्य है वो केवल और केवल भारत ने किया है। इसलिए ये अखिल भारतीय संत साहित्य परिषद, इसको सफल बनाना केवल महाराष्ट्रियों का नहीं बल्कि प्रत्येक भारतीय का फर्ज और धर्म है। इसे हम महाराष्ट्र के सीमाओं में ना बांधें, इसे हम किसी प्रांत के सीमाओं में ना बांधें। क्यों? कि संत का जो उपदेश होता है, कहते हैं संत शरण जो जन परे सो जन उधरन हार, संत की निंदा नानका बहोर बहोर अवतार। जो संत के शरण में जाता है उसको जीवन का एक उद्देश्य मिलता है। जो संत की वाणी पढ़ता है, संत का साहित्य पढ़ता है, उसके जीवन को एक दिशा मिलती है
और वही दिशा सही दिशा होती है। संत के साहित्य में पढ़ने के लिए, विचारने के लिए जिस प्रकार से कहा जाता है कि संसार के अंदर कितने भी भरे सूर्यों का प्रकाश हो जाए, संसार के बाहर भले ही कितने चंद्रमाओं का प्रकाश हो जाए, यह सब प्रकाश मिलकर भी हमारे मन के अज्ञान का जो अंधकार है उसे दूर नहीं कर सकता। जिस प्रकार गुरबाणी में कहा गया है कि जैसो चंदा उग वह सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदियाँ गुरबिन घोर अंधार। चाहे जितना प्रकाश बाहर हो, यह बाहर का प्रकाश बाहर के वस्तुओं को देखने के लिए है। परमात्मा हमारे मन और हृदय में है, उसे अगर देखना है तो हमें अध्यात्म का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, संत साहित्य का प्रकाश, गुरबाणी का प्रकाश चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संतों के विचार में हम क्या मिलता है, संत साहित्य जो वाग्मय है इस वाग्मय में हमें क्या मिलता है। तो दो तीन बातें मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा, क्योंकि संतों का कोई वर्ण नहीं होता, संतों का कोई प्रांत नहीं होता, संतों का कोई एक देश नहीं होता, संतों का कोई एक वेश नहीं होता, संत सबके होते हैं और सब संतों के होते हैं। इस प्रकार से जहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि सिख धर्म में, खालसा पंथ में किसी प्रकार का जाति भेद नहीं है, वर्ण भेद नहीं है, ऊंच नीच का भेद नहीं है, उसी प्रकार हम वारकरी संप्रदाय की तरफ जब देखते हैं, वारकरी संप्रदाय का जब अध्ययन किया जाता है, वारकरी संप्रदाय का जब चिंतन किया जाता है, तब हमें यह मालूम पड़ता है कि वारकरी संप्रदाय में भी किसी प्रकार का जाति भेद नहीं है, किसी प्रकार का वर्ण भेद नहीं है, किसी प्रकार के भाषा का झगड़ा नहीं है, किसी प्रकार का प्रांतवाद नहीं है। इसलिए जो संत होते हैं उनकी जो वाणी होती है वह सदैवी होती है, वह कालजयी होती है। एक बात मैं यहाँ पर आपके समक्ष रखना चाहूँगा, यह बहुत ही अच्छा एक कुदरती मेल है कि सबसे पहले जो अद्वैतवाद की धारा चली है भक्ति काल के अंदर, वह दक्षिण से चली है, वह साउथ से चली है। दक्षिण में 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में संत हुए हैं रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य ने सबसे पहले निर्गुण काव्य का, निर्गुण भक्ति का संचार इस देश में किया। लेकिन जहाँ पर उन्होंने यह धारा बहाई वह दक्षिण में, दक्षिण से यह धारा चली, चलते चलते इसका प्रचार हुआ। इनके वंश परंपराओं में, इनके मर्यादाओं में, इनकी गद्दियों में आगे जो संत हुए हैं, वल्लभाचार्य जी हुए हैं, इस प्रकार से और संत हुए हैं, उन्होंने उस भाषा को, उस वाणी को पुष्ट किया। और दूसरे जो 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में दक्षिण में, खासकर महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत हुए हैं जिनका नाम भक्त नामदेव जी। भक्त नामदेव जी 1270 से लेकर 1350 तक का इनका जीवन का कालखंड आता है। भक्त नामदेव जी ने अपने वाणी के अंदर एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को अपना जीवन कैसे सफल किया जा सकता है इसका दिशा निर्देश किया है। उन्होंने जाति संप्रदाय को और भाषावाद को, प्रांतवाद की सीमाओं को तोड़ा। इसलिए हम देखते हैं कि भक्त नामदेव जी के वाणी में जिस प्रकार मराठी के शब्द हैं उसी प्रकार पंजाबी के शब्द भी आते हैं, क्योंकि भक्त नामदेव जी दक्षिण में अपने वाणी का और सत्य का प्रचार करते करते घूमते हुए पंजाब की तरफ गए, यानी कि दक्षिण से यह धारा उत्तर भारत की तरफ गई। इस धारा का निर्माण दक्षिण भारत में हुआ। यह जो नदी प्रवाह वाणी का चला, यह सरिता बही, यह बहते बहते पंजाब तक पहुंची। और पंजाब में जो घुमान है, जहां पर बहुत बड़ा एक साहित्य परिषद, मराठी साहित्य परिषद अप्रैल के महीने होने वाला है, वो घुमान में होने वाला है, उस घुमान के आसपास नामदेव जी का कार्यक्षेत्र रहा, उनकी कर्मभूमि रही। और
जिस प्रकार से उन्होंने महाराष्ट्र के कल्चर को प्रभावित किया, उसी प्रकार से पंजाब के कल्चर को भी उन्होंने प्रभावित किया। उनके वाणी को, उनके रहन-सहन को, उनके उपदेश को पंजाब के लोगों ने अपनाया। और जब हम कालांतर में देखते हैं, दूसरी बात, भक्त नामदेव जी से भक्ति की जो नदी बही वो दक्षिण से चली उत्तर भारत में, और इसके विपरीत भी हुआ है। ये एक कुदरती करिश्मा। गुरु नानक देव जी महाराज जिनकी कर्मभूमि उत्तर भारत रही है, वो चले हैं वाणी का प्रभाव लेकर के और आए हैं दक्षिण में नांदेड़ के पवित्र भूमि पर। जिस प्रकार से गुरु नानक देव जी महाराज ने पंजाब में अर्थात उत्तर भारत के बहुत सारे इलाकों में अपने सत्य का प्रचार किया, उसी प्रकार वो दक्षिण के तरफ जब आते हैं, कन्याकुमारी तक जाते हैं, वहाँ से लौटकर जीवों का उद्धार करते हुए फिर वो महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र में नांदेड़ में वो ठहरते हैं। नांदेड़ से फिर विष्णुपुरी, रतनगढ़ का इलाका, गुरुद्वारा नानकपुरी साहेब, यहाँ पर उपदेश करके वो बीदर की तरफ जाते हैं। यानी दो बातें मैंने आपके समक्ष रखी। एक तो ऐसी धारा नामदेव जी ने भक्ति की धारा को दक्षिण से उत्तर भारत के तरफ ले गए, और इसके विपरीत गुरु नानक देव जी महाराज ने उसी धारा को उत्तर भारत से फिर दक्षिण भारत में लेकर के आए। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसी पावन धरती के ऊपर सन 1708 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को हमेशा के लिए गुरुत्व गद्दी बख्शी, जिसका हमने 300 साल इसी स्थान पर, जो यहाँ मंडप लगा हुआ है, इस स्थान पर गुरु